बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से मिलने पहुंचे उनके बेटे ने कहा, जेल में रहकर चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, धमकी भरे अंदाज में कहा। अब उल्टी गिनती शुरू हुई, दमनकारी नीति का अब अंत होगा, सत्ता परिवर्तन अब होना तय है, जनता अब जवाब देगी। सरकार की दमनकारी नीति से हमारा परिवार पीड़ित है, माननीय अधिकारों का जिस तरह हनन हो रहा है उसके लिए हम न्यायालय जाएंगे। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। देखिए, ये सरकार सोचती है कि इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन कर दें अगर तो इंसान परेशान हो जाता है, मगर ये सरकार ये बात नहीं समझती है कि ये देश, ये वो देश है जो उन अंग्रेज़ों से लड़कर बाहर निकला जिन्होंने देश के लोगों का मौलिक अधिकार का हनन किया, और हम उस परिवार से आते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के इस देश की आज़ादी कराई। तो इसलिए ये सोच तो है इनकी कि हमको प्रताड़ित करेंगे, दो घंटा चार घंटा बैठाएंगे तो हम प्रताड़ित होकर वापस लौट जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। जो कानून है, कानून में हमारी आधा घंटा 25 मिनट जो मुलाकात है उसका तो ये रोक नहीं सकते हैं कहीं से भी, तो वो मुलाकात इनको हमसे करानी पड़ती है। बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा और सत्ता बदली जाएगी, अब काम खत्म, समझे, 22 में काम खत्म। धन्यवाद। बस ठीक है, उम्र हो गई है 60 साल, तो उम्र के साथ साथ हर इंसान की, आपके भी पिता होंगे तो उनकी भी उम्र थोड़ी जब बढ़ती है तो थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानियां होती रहती हैं, और जिस तरीके से सरकार एक निर्वाचित विधायक को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं रह गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जनता का समय आ गया काफ़ी जाँचने का, अब ज़्यादा दिन परिस्थितियाँ ऐसी ही नहीं रह जाएंगी। और इस देश में हमेशा से संविधान का और लोकतंत्र का बोलबाला रहा है, आगे आने वाले समय में वो भी होता है। ज़्यादा कुछ इस पर मत बोलवाइए, बहुत कुछ लिखित में हाईकोर्ट में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया है, समय आने पर उस सब पर ठीक से कार्रवाई हो।